हमास और इजराइल जंग में हर बीतते पल के साथ, दिन हो या रात, जमीन हो या आसमान, हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल की सेना हर सीमा लांघ चुकी है। शक्तिशाली बमों के जरिए इजराइल हमास के ठिकानों को धूल में मिला रहा है। चंद दिनों से चल रहा चीख पुकार का शोर अब जमींदोज शहरों के सन्नाटे के आगे दम तोड़ रहा है। दोनों ओर अब बस मिसाइल अटैक का सायरन चीत्कार कर रहा है। गाजा को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल के हमले और खतरनाक हो चुके हैं। इजरायली सेना ने रात भर में गाजा में 750 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। अश्कलोन से आई तस्वीरों में रॉकेट्स को हमास के ठिकानों को तबाह करते देखा जा सकता है। गाजा पर हमले के बाद इजरायल की फौज ने इसका वीडियो सबूत भी पेश किया, जिसमें हमास के ठिकानों पर इजरायल की विध्वंसक बमबारी की तस्वीरें दिखी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि उसने फिलिस्तीन और ईरान समर्थित आतंकी संगठन हमास के 5 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जबकि इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने रात भर हमास के 750 ठिकानों पर बमबारी की। इस बमबारी में हमास के नेताओं और आतंकियों के ठिकानों के साथ उनके छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों, कमांड सेंटर्स और हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया गया। जिस तरह की तैयारी ग्राउंड पर दिखाई दे रही है, उससे ये पता चल रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है। हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया जा सकता है। 97 इजराइल के नागरिक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास ने बंधक बना रखा है, उन्हें गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में रखा है और अभी तक छोड़ा नहीं है। युद्ध का 7वां दिन और 7वें दिन कुछ इस तरह की तस्वीर हमें यहां जी न्यूज़ को दिखाई दे रही है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख यावा सिनवर के खात्मे का दावा किया जा रहा है, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। उसके साथ हमास के मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद एक और खूंखार आतंकी भी ढेर हो गया। החליט יחיא סינואר, הריבון ברצועת עזה, ולכן הוא וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. हमास को उखाड़ फेंकने के लिए 7वें दिन इजराइल की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। जॉइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन किट से लैस इजरायली MK-84 बम से हमास के ठिकानों को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। बड़ी संख्या में इस खतरनाक बम को तैयार किया जा रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने हमास के एक सैन्य ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया है।